हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का पार्ट वन देखा था। आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, क्लास एट्थ का टॉपिक है फ्रेंड्स। क्लास एट्थ का टॉपिक है, चैप्टर नंबर सिक्स है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। PMSSB के लिए प्रिपरेशन हो रही है इस चैनल पर। देन मैं साइंस के क्लास एट्थ को एंड क्लास टेंथ को 2 महीने में कवर करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि अपन कहाँ तक पहुँचते हैं। तो आपको पता ही होगा, जिस जिसने फर्स्ट वीडियो देखी है प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, हाइड्रा में देखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यंग वंस, स्पर्म के बारे में पढ़ा था, एग ओवा के बारे में पढ़ा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इज आर टू टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉक्स भी पढ़ लिया दोस्तों अपन लोगों ने। अब मैंने बताया था कि कमेंट्स में बता दीजिएगा कि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं कि नहीं कराने हैं। अगर कमेंट्स आएंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए चैप्टर्स की PMSSB 2023 के लिए, जिसके फॉर्म अभी 2-3 दिन ही रह गए हैं, तो प्लीज़ आप उस फॉर्म को भी कंप्लीट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि ये फॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसमें मैंने सिलेबस भी बताया और पूरी वीडियो भी है, 20 या 25 मिनट अप्रॉक्स, कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, सिलेबस क्या क्या है, कैसे कैसे इस एग्ज़ाम को फिलअप करना है फॉर्म को। और फ्रेंड्स, जो भी है कि इसकी फीस नहीं है, नो फीस, नो कॉस्ट है ये, इसका 1 भी रुपया नहीं देना आपको फॉर्म फिल करने के। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसको फिल कीजिए। तो चलिए आगे अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर में। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। मैं पहले आपको आउटलाइन बता दे रही हूँ एक, कि अपन आज क्या क्या पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, फर्स्ट कंसेप्ट इसमें यही रह गए हैं बस। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, डिफरेंस बिटवीन जायगोट एम्ब्रियो एंड फीटस, थर्ड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फोर्थ है वीविपेरस ओविपेरस एनिमल्स, इन दोनों में देखेंगे। फिफ्थ देखेंगे टॉपिक मेटामॉर्फोसिस, एंड सिक्स देखेंगे फ्रेंड्स क्लोनिंग, कि क्लोनिंग क्या होती है। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। सबसे पहले कंसेप्ट क्या आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो देखते हैं मेल स्पर्म एंड फीमेल एग, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ओवा। मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में भी समझाया है कि मेल स्पर्म एंड फीमेल एग ओवा जब फर्टिलाइज करते हैं, मिलते हैं आपस में, तो क्या बनाते हैं, जायगोट। क्या बनाते हैं दोस्तों, जायगोट। जायगोट से क्या बनता है, ये एम्ब्रियो। क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एक बेबी। देख पा रहे हैं आप, ये बेबी स्माइली बेबी बन गया ये। तो कैसे कैसे बनेगा, मेल स्पर्म एंड फीमेल एग को फ्यूज करके जायगोट बनाएंगे, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बेबी बनेगा। तो अभी अपन देखेंगे इस पूरी प्रोसेस को, कि इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या होता है। जायगोट से जब पूरा बेबी बनता है, तो उसमें क्या क्या लगता है, ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। उसका क्या होता है, ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं आगे, फर्स्ट पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रेंड्स फर्स्ट पे आती है टेस्टिस। टेस्टिस कितनी होती है, 2 in number। स्क्रोटल सेक्स, स्क्रोटल सेक्स कितने होते हैं, ये भी 2 in number होते हैं, पेयर होता है। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस कितनी होती है, 2। स्पर्म डक्ट्स, स्पर्म डक्ट्स कितनी होती हैं, ये भी 2 होती हैं। सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल पाई जाती है और पेनिस पाया जाता है। अब मैंने ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा डाटा लिया है आप लोगों के लिए। Try to recall reproduction in plants which you studied in class 11. Class 11th में आपने reproduction in plants को अच्छे से revise किया होगा। You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts.
प्लांट्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कैन यू नेम दिस पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो? आप एनिमल्स में भी इनको नेम दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं बिल्कुल। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल के पास अलग अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एंड फीमेल के पास अपने अलग ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये जानते हैं। लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। जैसे ही प्लांट्स में होता है वैसे ही अपना एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में क्या होता है, अब एनिमल्स में प्रोड्यूस गैमेट, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिससे एक फ्यूज करके क्या बनेगा, एक जायगोट का फॉर्मेशन होगा। इट इज द जायगोट, जायगोट में विच डेवलप इन टू ए न्यू इंडिविजुअल। क्या बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल। जायगोट क्या बना देगा, एक पूरा बेबी बना देगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जायगोट क्या बना रहा है यहाँ पे, जायगोट क्या बना रहा है कि यहाँ पे बेबी बना रहा है। क्या बना रहा है, जायगोट क्या बना रहा है, बेबी बना रहा है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिन फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने कुछ कुछ पार्ट्स एनसीईआरटी के भी ले लिए हैं जिससे कि किसी को ये ना लगे कि आउट ऑफ द एनसीईआरटी है या फिर ये एक्स्ट्रा है। तो आपको मैं एनसीईआरटी भी कवर कराते चलूंगी जो जो मैं पढ़ा दूंगी। स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस। स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है दोस्तों, टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है, टेस्टिस में। स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टीज में। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, स्पर्म एंड फीमेल एग बनके, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग मिलके क्या बनाता है, एक जायगोट का फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं अभी स्पर्म कहाँ से आया और ये एग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन मेल के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टीज स्पर्म कहाँ से निकलते हैं फ्रेंड, सबसे पहले टेस्टिस से। सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में। अब टेस्टिस में से वो कहाँ आते हैं, एपिडीडाइमिस। क्या में, एपिडीडाइमिस। फिर कहाँ आते हैं, वास डिफरेंस। फिर कहाँ आते हैं, वास डिफरेंस में। और फिर ये कहाँ आते हैं फ्रेंड दोस्तों, एजैक्युलेटरी डक्ट। कहाँ आते हैं, एजैक्युलेटरी डक्ट। ये आपको ये जो है इसकी सीरीज के स्पर्म का जो फ्लो चार्ट है कि स्पर्म पहले टेस्टीज में जाएगा, फिर एपिडीडाइमिस में जाएगा, फिर वास डिफरेंस में जाएगा, फिर एजैक्युलेटरी डक्ट में जाएगा, और फिर जाएगा वास डिफरेंस एंड फिर जाएगा अपना यूरेथ्रा में। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में भी, और आपके एग्जाम में भी आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। अब टेस्टीज आपने देखा, स्पर्म पहले टेस्टीज से होके एपिडीडाइमिस में, फिर वास डिफरेंस में। सॉरी फ्रेंड्स, स्पर्म जो है अपना टेस्टिस में होके एपिडीडाइमिस में, एपिडीडाइमिस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से एजैकुलेटरी डक्ट में, और एजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म आके और प्लस में हो जाता है इसमें न्यूट्रिटिव फ्लूड। एजैकुलेटरी डक्ट से जो बाहर निकलता है तो स्पर्म प्लस न्यूट्रिटिव फ्लूड। अब देखते हैं न्यूट्रिटिव फ्लूड क्या होता है। न्यूट्रिटिव फ्लूड कहाँ से आता है, न्यूट्रिटिव फ्लूड आता है थ्री ग्लैंड से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थ्री ग्लैंड्स पढ़ने हैं आपको। थ्री ग्लैंड्स कैसे पढ़ेंगे, देखते हैं, बताते हैं कि इसकी ग्लैंड्स के नाम क्या क्या हैं और इसका वर्क क्या क्या है। तो फर्स्ट जो है वो है समाइनल वेसिकल। क्या है दोस्तों, समाइनल वेसिकल, देखते हैं समाइनल वेसिकल। सेकेंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड क्या है, काउपर्स ग्लैंड। इसको ही क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कितने ग्लैंड्स हो गए, याद कीजिए, बोल बोल के याद कीजिए जिससे आपको याद हो जाएगा, मुझे पूरा याद है। देन थ्री ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फर्स्ट है सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको भी हम कह सकते हैं काउपर्स ग्लैंड। अब इसका वर्क क्या है तीनों का, ये तीनों फ्लूड सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं, द्रव्य सीक्रेट करते हैं, मतलब लिक्विड साइड। जैसे कि आपने देखा होगा पानी, पानी लिक्विड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लूड कहते हैं। आपने देखा होगा चाय बनती है, दूध होता है, तो वो फ्लूड ही तो है, एक लिक्विड ही तो है एक टाइप का। देखते हैं फिर ये क्या वर्क करता है, फ्लूड। फ्लूड इन तीनों चीजों से जाके कौन कौन से ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को हम क्या कह सकते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
अब ये तीनों जाके इजैकुलेटरी डक्ट में मिल जाते हैं, ये तीनों जाके क्या हो जाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में मिल जाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में ऑलरेडी क्या बताया था मैंने आपको, स्पर्म्स बताए थे, स्पर्म्स। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या आ गया, फ्लूइड भी आ गए ऑलरेडी स्पर्म्स में, तो स्पर्म प्लस फ्लूइड क्या बन जाएगा, स्पर्म प्लस न्यूट्रिएटिव फ्लूइड, और ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब फ्लूइड प्लस स्पर्म्स, मैंने आपको बताया एक न्यूट्रिटिव फ्लूड होता है, न्यूट्रिशन वाला फ्लूड होता है। कैसा फ्लूड होता है फ्रेंड दोस्तों, न्यूट्रिशन वाला फ्लूड होता है जो कि स्पर्म के साथ मैशअप होता है, मिक्स होता है, उसको क्या कहते हैं, सीमन। क्या कहते हैं, सीमन। अब इजैकुलेटरी डक्ट तक आ गया सामान, इजैकुलेटरी डक्ट तक अपना पूरा स्पर्म प्लस सीमन आ गया, स्पर्म प्लस फ्लूड आ गया। तो ये ओपन किस में होती है, डायरेक्ट पेनिस में, किस में, पेनिस में, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। किस, क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए देखते हैं इसका डायग्राम, देख लेते हैं थोड़ा। इफ अगेन मैंने एनसीईआरटी का पेज लिया है, इन ह्यूमंस स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। अब अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कैसा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे सबसे पहले। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मैंने आपको बताया टेस्टिस कितनी होती हैं, दो, सिंगुलर को क्या कहते हैं, टेस्टिस, और पेयर में होंगी उसे टेस्टिस। टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस, क्या क्या होता है, टू स्पर्म डक्ट होती है और पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या है, मेल गैमेट्स, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। ये तो मैंने एक रेफरेंस के लिए ले लिया है, जिससे किसी को ये ना लगे एट्थ क्लास वाले स्टूडेंट को कि ये एक्स्ट्रा है या फिर ये हमारी बुक में दिया नहीं है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, टेस्टिस से क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ द स्पर्म, लाखों की संख्या में स्पर्म का उत्पादन होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है। अभी अपन 6.2 पे भी चलेंगे, फिगर देखेंगे, विच शोज द पिक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का पिक्चर भी देख लेंगे। थ्रो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, मैंने आपको कल भी बताया था स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, कितना बताया था, अगर किसी ने वीडियो देखा है तो बताइए मुझे, या फिर आप खुद को ही बताइए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 स्पर्म्स होते हैं, कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 स्पर्म्स होते हैं, और ओवास कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 66 एग ऑफ फीमेल होते हैं। ओके, ये होता है याद करने का एक ट्रिक बोल सकते हैं या फिर एक टेक्निक बोल सकते हैं, जैसे कि अपन ने मेल का याद किया उसी के साथ में अपन फीमेल का याद कर लेंगे तो अपन भूलेंगे नहीं। ईच हैज अ हेड, मिडल पीस एंड टेल, ये कल की वीडियो में डिस्कस किया गया है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्या वर्क करता है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ वर्क होता है। डज इट अपियर टू बी अ सिंगल सेल, क्या ये सिंगल सेल होता है, इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कॉम्पोनेंट, सारे होंगे बट ये क्या होगा, सिंगल सेल होता है। देखिए यहाँ पर आपको टेस्टिस दिख रही है, एक मिनट, ये आपको टेस्टिस दिख रही है, ये एक को बताया टेस्टिस, अगर दोनों को बोलेंगे तो टेस्ट। ओके, ये क्या है, स्पर्म डक्ट दिख रही है सभी लोगों को, स्पर्म डक्ट, फिगर में देखिए स्पर्म डक्ट, ये होती है इसकी डक्ट्स, डक्ट्स जहाँ से निकलती है, डक्ट्स ओरिजिन हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हाईलाइट करके, ये है आपका पेनिस, ये क्या है पेनिस, और ये है स्पर्म डक्ट, ये क्या होती है, स्पर्म डक्ट, पेनिस एंड टेस्टिस। तो चलिए आगे बात करते हैं, ह्यूमन स्पर्म के बारे में भी देख लेते हैं एक बार, रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है, इसका हेड पार्ट है, क्या है, हेड पार्ट। ये क्या है, इसका मिडल पीस, क्या है, इसका मिडल पीस। ये क्या है, इसकी टेल, टेल का क्या काम है, मूवमेंट कराने का, क्या काम है, मूवमेंट कराने का। तो चलिए देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे कि कौन से अपने क्या क्या पार्ट्स हैं इसके।
और जैसे कि अपन ने देखा कि मेल में कैसे कैसे वर्क करता है, ऐसे ही अपन देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए चलिए पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, देखते हैं इसमें क्या पता चलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवा फॉर्मेशन इन ओवरीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ना एग मेल से क्या आता है स्पर्म एंड फीमेल से क्या आता है एग आता है। तो एग का फॉर्मेशन कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो एग का फॉर्मेशन कहाँ बता रहा है ये? ओवा फॉर्मेशन इन ओवरीज, कहाँ में होता है? ओवरीज में। ओवरी कनेक्ट विथ फेलोपियन ट्यूब, ओवरी किससे कनेक्ट होती है दोस्तों? फेलोपियन ट्यूब से। एंड दिस डक्ट ओपन से यूटेरस। अभी अपन इसका डायग्राम भी देखेंगे कि कैसे कैसे ये फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट हो रही है और कैसे ये डक्ट ओपन हो रही है यूटेरस में। अभी अभी के लिए आप बस इतना याद कर लीजिए या फिर ध्यान में रख लीजिए कि ओवरी कनेक्ट विथ फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब, ओवरी किससे कनेक्ट होती है? फेलोपियन ट्यूब से। और फेलोपियन ट्यूब कहाँ से आती है, कहाँ जाके मिलती है? यूटेरस में मिलती है। देखते हैं स्पर्म एंटर इन यूटेरस, और स्पर्म कहाँ से आ रहा है? यूटेरस से। मैंने आपको बताया था स्पर्म को जाना पड़ता है एग के पास, एग खुद नहीं आता, स्पर्म को जाना पड़ता है एग के पास। स्पर्म एंटर इन यूटेरस देन गो फॉरवर्ड इन फेलोपियन ट्यूब्स, और फिर यूटेरस से जाके उसको और लंबा सफर तय करना है, कहाँ का? फेलोपियन ट्यूब का। देखते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड एग का मिलान मतलब मिलना। स्पर्म और एग कहाँ पर मिल रहा है? फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर मिल रहा है दोस्तों? फेलोपियन ट्यूब में। देखते हैं कैसे मिल रहा है, अभी आगे देखेंगे इस प्रोसेस को कि कैसे मिल रहा है। तो जायगोट मूव इनटू यूटेरस, और फिर क्या बन जाता है? एक जायगोट बन जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, मेल स्पर्म एंड फीमेल का जो एग है वो क्या बना देता है? जायगोट बना देता है। जायगोट से फिर क्या बनता है? डायरेक्ट बेबी बनता है। देखते हैं इस प्रोसेस को पूरा आगे वीडियोज में देखेंगे। जायगोट मूव इनटू यूटेरस, जायगोट किस में बदल जाता है? मूव कर जाता है यूटेरस में। अब फिर इसका क्या होगा? वहां पर ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा, इसका विकास होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। 9 months ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर दिस पीरियड, 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, इस पीरियड के दौरान, इसके बाद क्या हुआ? जब अगर जायगोट मतलब जायगोट जो है मेल स्पर्म और फीमेल एग से बना जायगोट, जायगोट से बेबी, और जायगोट से बेबी बनने का टाइम कितना होता है? 9 months। कितना होता है? 9 months। देखते हैं यूटेरस, यूटेरस का माउथ को क्या कहते हैं? सर्विक्स। यूटेरस के माउथ को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्विक्स। सर्विक्स ओपन इनटू वजाइना, सर्विक्स किस में खुलता है? वजाइना में, जहां से क्या है? बर्थ होगा एक छोटे से बेबी का, जिसको हम क्या कहेंगे अभी तक? फीटस। तो अभी अपन देखेंगे फीटस में, जायगोट में और एक छोटे बच्चे में क्या अंतर है, किस में? फीटस में, जायगोट में और एक छोटे बच्चे में क्या अंतर है? आगे की वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। यूटेरस के माउथ को क्या कहते हैं? सर्विक्स। किस में ओपन होता है? वजाइना में। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल, मतलब सर्विक्स प्लस वजाइना इक्वल बर्थ कैनाल। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी है या फिर कॉम्प्लेक्स है, स्पर्म को आने में बहुत टाइम लग रहा है, टेस्टिस से जाएगा फिर इधर, टेस्टिस से जाएगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से जाएगा इधर सेमिनल वेसिकल, फिर थ्री ग्लैंड से फ्लूड आ रहा है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में से भी 2-3 जगह से पास होगी फिर निकलेगा, फिर उसके बाद भी ये फीमेल में एंट्री करता है, फीमेल वजाइना से, फिर यूटेरस से, फिर फेलोपियन ट्यूब। बट ऐसा नहीं है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसको अपने छोटे से बेबी को 9 months तक रखना है, उसके लिए प्रोसेस करना है, उसको खाना पीना भी देना है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। तो आइए आगे पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पढ़ते हैं अब प्रॉपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी कितनी होती है? दो होती है। कितनी? एक ये दिख रही है आप लोगों को और एक ये दिख रही है आप लोगों को, ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स दिख रही है, ये वाली जो लिखा हुआ है इसके नेम पे, फेलोपियन ट्यूब इसी को कहते हैं, एंड द यूटेरस, एक आपको यूटेरस भी दिख रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या बताते हैं ये।
तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे अब अपन, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। चलिए देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मतलब इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना। द जायगोट फर्टिलाइज्ड एग, मतलब क्या है जायगोट, जायगोट क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग है। एग कैसे फर्टिलाइज हुआ, स्पर्म से। कैसे फर्टिलाइज हुआ, स्पर्म से। डिवाइड्स इंटू 100 सेल्स, डिवाइड्स इंटू 100 सेल एंड मेक अ वन बॉल, क्या बनाता है, एक पूरा बॉल बना लेता है। क्या बना लेता है, जायगोट क्या बना लेता है, एक बॉल बना लेता है बहुत सारे सेल्स की। तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर एक बॉल बनी हुई है और इसको हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो। देखते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से कहाँ, एम्ब्रियो कहाँ आता है, यूटेरस में। कहाँ आता है, यूटेरस में। कहाँ आता है दोस्तों, यूटेरस में। फिर यूटेरस से क्या जा रहा है, यूटेरस से कहाँ जा रहा है, ये पूरा इसकी लाइनिंग में बंधने जा रहा है, क्योंकि इसको अभी एक छोटा बेबी बनाना है। एम्बेडेड इन सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस, एम्बेड हो जाता है मतलब चिपक जाता है, यूटेरस से चिपक जाता है। सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग, क्योंकि यूटेरस की जो दीवार होती है, यूटेरस की जो वॉल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा थिक लाइनिंग की है, मोटी मोटी है, जिससे नीचे ना सरक पाए। देखते हैं इसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन। मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहाँ गया, यूटेरस में। एम्ब्रियो किससे मिला, मिलके बना होता है, मेल स्पर्म से एंड फीमेल एग से। मेल स्पर्म एंड फीमेल एग से क्या बना होता है, एक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ जाता है, यूटेरस में, एंड यूटेरस इसको बना के रख लेता है, पकड़ के रख लेता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, कि बेबी जो मदर है उन्होंने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। देखते हैं आगे, यूटेरस डिपॉजिट, यूटेरस डिपॉजिट ब्लड इन दिस लाइनिंग। और इस लाइनिंग में क्या होता है, बहुत सारा ब्लड होता है, कि आपको पता है छोटे वाले बेबी के लिए सारी चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अगर वो बाहर बर्थ के बाद उसे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट उसे अंदर भी तो कुछ चाहिए बड़े होने के लिए, क्योंकि हुआ तो वन सेल का है, वन से 18 बनेगा, 18 से 64, 64 से 1000, फिर ऑर्गन्स बनेंगे, फिर टिश्यू बनेगा, फिर सेल बनेगा, सारी चीज़ें बनेंगी, उसकी माइंड बनेगा, उसका हार्ट बनेगा, उसका हैंड लेग सब कुछ बनेगा। तो देखते हैं अपन ये कैसे बनता है, इस चीज़ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यूटेरस डिपॉजिट ब्लड इन दिस लाइनिंग, यूटेरस क्या कहता है, डिपॉजिट कर लेता है, रख लेता है अपने पास ब्लड को, किस चीज़ के लिए, एम्ब्रियो को चाहिए ब्लड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। पहले तो उसे खाना चाहिए, हमें भी खाना चाहिए और सांस चाहिए, मतलब ब्रीदिंग होनी चाहिए और खाना मिलता रहना चाहिए, खाना, फूड, शेल्टर, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो उसके पास भी एक रहने के लिए जगह है छोटी सी, अपनी मदर के यूटेरस में। देन देखते हैं, एम्ब्रियो स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ बेबी। अब एम्ब्रियो स्टार्ट कर रहा है ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसे एक बेबी का, बेबी बनना है उसको। एम्ब्रियो स्टार्ट ग्रोइंग, एम्ब्रियो स्टार्ट होगा ग्रो करने में इनटू अ बेबी, बेबी बनने में। देखते हैं जायगोट क्या, देखते हैं जायगोट, ये क्या है, एक जायगोट है। जायगोट किससे मिला है, मेल स्पर्म से और फीमेल के एग से, क्या मिलके बना होता है, जायगोट। जायगोट क्या बना रहा है, 16 सेल्स। जायगोट क्या बनाएगा, पहले एम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा, जायगोट पहले क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्मोरुला, जिसमें क्या होंगी, 16 सेल्स होंगी। आप देख गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 हो गई फ्रेंड्स। 16 सेल के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, मोरूला, क्या कहेंगे, मोरूला। और फिर मोरूला क्या करता है, मोरूला ने क्या किया, इसको अपने को प्रॉपर एक सामान रख लिया, जैसे कि आपने किचन में देखा होगा, या फिर अपने रूम में देखा होगा, या फिर अपने ड्रॉवर में देखा होगा, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक लाइन से अच्छी लगती है, क्योंकि अपन लाइब्रेरी में भी जाएंगे बुक्स की, क्लास 10th की अलग से बुक्स लगी होंगी, क्लास 12th की, फिर मेडिकल लाइन की अलग, JEE की अलग, UPSC की अलग, ऐसे करके आपको इजीली तरीके से बुक्स मिल जाएंगी और कोई इशू भी नहीं होगा। तो मैं मोरूला ने भी सोचा कि मैं सारी चीज़ों को अपने एक साइड कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, एक साइड। तो इसने एक साइड कर लिया। इसमें क्या होता है, अब 3 germ layer होती है, क्या होती है, 3 germ layer, 3 germ layer। फर्स्ट है एक्टोडर्म, सेकंड है एंडोडर्म, थर्ड है मीजोडर्म। देखते हैं, इस चीज को आप आगे पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर में, जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगी आपको, सेल पढ़ाऊंगी। प्रेगनेंसी टू 8th वीक, मतलब 2 महीने, 1 महीने का कितना होता है दोस्तों,
1 month बराबर 4 week, तो ये कितना हो गया यहाँ, 2 months, कितने हो गए यहाँ पे 2 months. प्रेगनेंसी जब कंसीव की है एक फीमेल ने, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया 1 month में 4 week होते हैं आपके, तो मैं बता रही थी आपको कि प्रेगनेंसी से कंसीव प्रेगनेंसी जब कंसीव की है एक फीमेल मदर ने, या फिर एक छोटी मतलब मदर ने कंसीव की है प्रेगनेंसी, टू 8th week. 8th week मतलब होता है 2 months, क्योंकि 1 month में क्या है 4 week, तो 2 month में 8 week. तो प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट हुई तब से 2 महीने तक अपन उस छोटे बच्चे को क्या कहेंगे, एम्ब्रियो. क्या कहेंगे, एम्ब्रियो. आपको याद रखना है कि दो स्टार्टिंग से 2 महीने तक क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं. फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो होते हैं उसके हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, धीरे धीरे तो आएंगे. ऐसा तो है नहीं कि 1 क्लिक किया और सारा पूरा बॉडी बन गया, ऐसे तो है नहीं. तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, हैंड्स आएंगे, लेग्स आएंगे, आईज आएंगे, ईयर्स आएंगे. 9th week टू बर्थ, मतलब 2 महीने के बाद से जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक उसको क्या कहेंगे अपन, फीटस. जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैं बताऊंगी आपको एम्ब्रियो, फीटस और बेबी, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है. तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से लेके 2 महीने तक का टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, जहाँ पर स्टार्टिंग से लेके 2 महीने तक का टाइम पीरियड प्रेगनेंसी में क्या कहलाया जाएगा, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ एम्ब्रियो है. फिर सेकेंड मंथ से लेके जब तक बर्थ नहीं हो जाता तब तक क्या कहते हैं उसको, फीटस. फिर जैसे ही उसका बर्थ हो जाता है उसको क्या कहेंगे अपन, छोटा सा एक बेबी. क्या कहेंगे, छोटा सा बेबी. चलिए देखते हैं, सब कुछ कवर कर लिया है. अब हम लोग एनसीईआरटी लेंगे अपनी, कि एनसीईआरटी क्या बोलने का ट्राई कर रही है. एनसीईआरटी को देखते हैं दोस्तों. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मैंने क्या क्या पढ़ाया, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. फर्टिलाइजेशन कैसे, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म. शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड. फीमेल का एग प्लस मेल का स्पर्म, क्या है, मेल का स्पर्म. इसके फ्यूजन से क्या बन रहा है, एक चाय गोट. क्या बन रहा है, एक चाय गोट. देखते हैं अब आगे. Which begins to develop into an embryo. क्या बना रहा है, एक एम्ब्रियो. ये क्या बना रहा है दोस्तों, एक एम्ब्रियो. फिर क्या बनाएगा, एक छोटा सा बेबी. द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स. मैंने आपको बताया था बॉल ऑफ सेल्स, इसको क्या कहते हैं, मॉरुला. द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जिससे क्या बनेगा, टिश्यूज बनेंगे एंड ऑर्गन्स बनेंगे उसके. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो. इसको क्या कहते हैं अपन, एम्ब्रियो. मतलब जायगोट से ये जो पूरा इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, इसका ग्रोथ हुई, इसको डेवलप कराया गया, तो इसको क्या कहते हैं अपन, एम्ब्रियो. मतलब द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस. मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जब बनता है तो एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द बॉल ऑफ यूटेरस. एम्ब्रियो कहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है, पूरे यूटेरस में चिपक जाता है. क्यों क्यों चिपक जाता है, क्योंकि उसकी सॉफ्ट और थिक लेयर है, किसकी, यूटेरस की, फॉर फर्दर डेवलपमेंट. क्योंकि उसको आगे डेवलपमेंट कराना है, क्योंकि उसको आगे डेवलपमेंट कराना है. तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने कवर कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया मैंने आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जायगोट कैसे बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन एंड डिफरेंस बताया जायगोट में. एक मिनट, जायगोट में, मॉरुला में और एक फीटस में. ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी नोट्स हैं मेरे, पूरी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है, तो प्लीज़ नोट्स को आप एक लाइन टू लाइन जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप नोट करते जाइए उसे अपनी रफ में, अपनी फेयर कॉपी में। अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक को, अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, आप अपनी स्कूल की एग्जाम्स देंगे, तब आपको समझ में आएगा ओ इसमें तो सारा कुछ कवर है ऑलरेडी। एक एक लाइन पूरा एक्सट्रैक्ट है। और प्लीज़ अपने जैसे आपने लेक्चर देखा उसके बाद आप तुरंत बुक को पढ़िए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।